मामले में न्याय की रफ्तार हुई तेज। 16 जज 365 दिन और 1499 लंबित केसों का निपटारा। परिवहन न्यायालय ने किया 100 प्रकरणों का निराकरण। सर्वाधिक पुराने प्रकरणों के निराकरण में जिला न्यायालय नीमच द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। जी हाँ, नीमच जिले में न्याय की रफ्तार तेज हुई है। जिले की अदालतों में सालों से लंबित 1600 मामलों में से 1499 केस महज 365 दिन में निराकृत किए गए हैं। इनमें परिवार न्यायालय नीमच द्वारा निराकृत किए गए 100 प्रकरण भी शामिल है। जबलपुर हाईकोर्ट की ओल्डेस्ट केस निराकरण स्कीम के तहत मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ ने न्यायाधीशों को प्रति 3 माह में 25 पुराने केस के निराकरण का टास्क दिया था। नीमच के 16 न्यायाधीशों ने अपने अपने कोर्ट में सबसे पुराने केस निपटाने में रुचि ली तो 93% केस निराकृत कर प्रदेश में नया कीर्तिमान रच दिया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार जिले के 16 न्यायालयों में प्रत्येक 100-100 कुल 1600 सबसे पुराने चिन्हित प्रकरणों में से 1499 प्रकरणों का निराकरण विधिक प्रक्रिया अनुसार कर 93% उपलब्धि हासिल की गई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक 3 मास में पुराने 25-25 प्रकरण, 4 3-मास के कुल 100 प्रकरण। इस तरह एक वर्ष में जिले के 16 न्यायालयों द्वारा कुल 1600 चिन्हित प्रकरणों में से 1499 प्रकरणों को विधि पूर्वक शीघ्रता से निराकरण किया गया। शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य एवं मुकदमेबाजी में लगने वाले समय एवं धन की बचत का संदेश देते हुए उक्त प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायालय में कार्यरत प्रत्येक न्यायालय के सर्वाधिक पुरानी अवधि के 100 प्रकरण प्रति न्यायालय के मान से कुल 1600 प्रकरण चिन्हित किए गए। इनमें से कुल 1499 प्रकरणों का विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए निराकरण किया गया, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 93% है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश गणों द्वारा उक्त प्रकरणों के सफलतापूर्वक निराकरण करने में विशेष रूप से दिन रात अथक प्रयास एवं मेहनत की गई। जिले के अभिभाषकों, पक्षकारों व न्यायालयीन कर्मचारियों ने भी कड़ी मेहनत कर सहयोग प्रदान किया है। पुराने लंबित संपत्ति एवं आपराधिक प्रवृत्ति के नियमित प्रकरणों के निर्धारित समयावधि में निराकरण के इस कार्य में जिला प्रशासन, विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधिकारियों, अधीनस्थ आरक्षी केंद्र के प्रभारी तथा स्टाफ का भी सकारात्मक सहयोग रहा है। प्रकरणों के निराकरण से लंबित हुए कुछ पक्षकारों का कहना है कि पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण का यह अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए, जिससे कि पक्षकारों को न्याय का लाभ मिल सके। नीमच जिले की हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप।